ब्लू ऑरेंज व्हाइट कहाँ है, ब्लू
ऑरेंज वाइट यहीं पे ही है, तो अब ये लेफ्ट में है, अब इसको राइट में टर्न करेंगे, डाउन डन। अब तो हमारी ये लेयर कंप्लीट हो चुकी है, बस एक पीस और है, एक पीस और कौन सी है, वाइट ग्रीन रेड, वाइट ग्रीन रेड यहाँ है, ये लेफ्ट में है, तो पहले राइट में करेंगे, लेफ्ट लेयर को डाउन डन। अब किसी तरीके से हमारी फर्स्ट लेयर जो है पूरी कंप्लीट हो चुकी है सेंटर, और अब बारी हमारी सेकंड लेयर की। सेकंड लेयर में क्या आएगा, इस देखो मैं ब्लू ऑरेंज है, ब्लू ऑरेंज लेयर, ठीक है, ब्लू ऑरेंज को ढूंढते गए, ब्लू ऑरेंज जो है, अब ये पीस को यहाँ से निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये पीस को यहाँ से निकाल के यहाँ लगाना है, इसको करेंगे डाउन टर्न अप, क्यूब रोटेट, टर्न डाउन टर्न अप। देखो गाइस यहाँ पे जो ब्लू ऑरेंज पीस थी वो निकल चुकी है, अब वो आ गई है यहाँ पे ऑरेंज है ना, अब इसलिए इस पीस को यहाँ लगाना है, नहीं इस पीस को यहाँ लगाना है, तो इसको पहले इधर टर्न करेंगे, ये लेफ्ट लेयर डाउन, डाउन लेयर टर्न, लेफ्ट लेयर अप, डाउन लेयर टर्न। देखो वो उसको ये पीस को फिर अपन लोग को यहाँ बैठा देना है, ठीक है, उसी तरीके से उसको टर्न डाउन टर्न अप। देखो ऑरेंज ब्लू हमारा बैठ चुका, और ये ग्रीन ग्रीन रेड लगा दे, ग्रीन रेड यहाँ है, टर्न डाउन टर्न अप, और इस पीस को अब ऊपर लेना है, तो लेफ्ट नहीं राइट, लेफ्ट लेयर डाउन टर्न अप। अब देखो ग्रीन रेड भी बैठ चुका, अब अभी क्या करना है हमें, यहाँ लगेगा रेड, रेड ब्लू का है, रेड ब्लू का है, तो रेड को रेड से पहले मैच करेंगे, ये पीस इधर लगेगी, ये पीस इधर लगेगी, तो उसको लेफ्ट को टर्न करेंगे, इसे डाउन कर दिए, फिर इसे टर्न कर दिए, इसे अप कर दिए, अब ये पीस ऊपर लगे, इसको टर्न करें, डाउन करें, टर्न करें, अप करें। अब इसी तरीके से हमारी सेकंड लेयर कंप्लीट होने वाली है, अब यहाँ लगेगा ऑरेंज ग्रीन, ग्रीन इधर टर्न डाउन टर्न टर्न अप। मैं आपको पास कर सकता हूँ, आप लोग भी ट्राई करना, आपसे भी हो जाएगा। ये बन गया हमारा सेकेंड लेयर कम्प्लीट, अब थर्ड लेयर पर हमें क्यूब डाउन कर देना, यहाँ मेरा पहले से प्लस बने, बिगाड़ देता हूँ। अब प्लस बनाने के लिए आप लोग जब आपकी सेकेंड लेयर कंप्लीट हो जाएगी तो आपको ये आर मिलेगा, आर ये आर मिलेगा आप लोग को, जो इंग्लिश के लिए आर रहता है, ठीक है, फिर ये जेड। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, लिख लो आप इसको डाउन, जेड आई वाई, आई वाई करने वाला आप लोग को ये एल मिल जाएगा, एल देख सकते हैं आप, उसी को कर लेंगे ऐसे, जेड आई वाई, आई वाई जेड। अब बन चुका हमारा प्लस, और आप खुश मत हो जाइए, अब अभी मेन चीज हुआ नहीं है, इस प्लस का ऐसे कलर मैच होना चाहिए, तो देखो येलो ऑरेंज का मैच हुआ, येलो ग्रीन का मैच हुआ, बाकी ये रोका नहीं, तो उसको करने के लिए देखो हमारा दो कलर मैच हो जाए, तो ग्रीन को दो कलर मैच है, तो एक को फ्रंट पे रख लेंगे, एक को राइट में रख लेंगे, और ये भी लिख लीजिए आप अपने नोटबुक में, 1 2 3 4 5 6 7 कलर मैच डाउन 8, ठीक है। अब देखते प्लीज बैठी हमारी नहीं, एक बार होने वाले से रोटेट करना है, फिर जहाँ जो कलर एक ही कलर मैच होएगा उस पर चले आना, 1 2 3 4 5 6 7 8, देख सकते हैं हमारा सारे प्लस मैच हो चुके हैं, और हमारा पीछे का भी नहीं निकला अभी तक, ठीक है। अब कॉर्नर पीस कैसे सेट करें, कॉर्नर पीस सेट करने के लिए पहले आप लोग एक पीस ढूंढ लेना हो जो सही बैठी हो, तो अभी एक को पीस नहीं बैठी एकदम सही, तो कोई सी भी एक पीस ले लेते हैं, जैसे ये ले लिए, टर्न लिखो लेफ्ट राइट लेयर अप, राइट लेफ्ट लेयर अप, लेफ्ट राइट लेयर डाउन, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेयर डाउन। अब अभी देखते कोई पीस बनी कलर से कलर मैच होती, जैसे ये बनी कहीं, इसको टर्न करना है, ये बैठ गई तो यही को ले, यही की तरफ से कर देती है, ये मैच है, ये मैच हो गई, ये मैच हो गई, ठीक है, एक अपने आप बैठ गई। अब करने के लिए आपको करना होगा देखो, ये 1 2 3 4 1 2 3 4
आपको ये जब तक करते रहेंगे जब तक आपके पीस ना बैठे, और जब पीस बैठे तो इसे पूरा रोटेट कर लेना एक बार, और फिर ऐसे ही कर लेना है इस पीस को अपने सामने मिला दें, फिर वही जगह पर वापस करना है आपको। ये कर लिया मैंने, अब इसे टर्न करके फिर वैसे ही करना है। फिर यहाँ पर रूबिक्स क्यूब सॉल्व हो जाएगा। गाइस आप लोगों को पिरामिड रूबिक्स क्यूब के सॉल्व पर इसकी भी वीडियो चाहिए रहेगी मुझे कमेंट में बोल देना, इसकी भी वीडियो डाल बाय। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते जल्दी की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।